जिराफ है, हिरण है, कछुआ है, हाथी है। यहाँ पे थोड़ा कांड हो गया, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो चुका। तो फर्स्ट ट्राई पापा कर रहे हैं, देखते हैं कितना मछली पकड़ते हैं। एक बैग ब्रेड है यहाँ पे। भाई साहब ये वाला लाइट इफेक्ट मस्त लग रहा है। ओ मूर्ति का साइज देखो, ह्यूज। वो इतने सारे मंदिर है, यहाँ पे भी मंदिर, इधर में भी। ये है खालना शमशान घाट, मतलब केदारनाथ धाम, और यहाँ पे चंद्रयान। देखो द जंगल बुक कितना ही सुंदर लग रहा है रात में। एक तगड़ा सिस्टम लगाया गया है, पूरा सिस्टम हिला दे रहा है। और यहाँ से देखो पूरा मेला दिख रहा है। जंगल बुक देखने के लिए लाइन देखो, कितना बड़ा लाइन। आज ही चांद एकदम जीसस क्राइस्ट के ऊपर, मतलब क्रॉस के ऊपर। लाइट्स कितना बढ़िया लग रहा है ना, देखो कितना सिंपल एंड सोबर, एकदम व्हाइट। बिगेस्ट लक्ष्मी पूजा है खालना का, लक्ष्मी पूजा। तो देखो सुबह सुबह यहाँ पे सारे बेकरी आइटम आ गए एकदम फ्रेश। और यहाँ पे देखो एक बैग ब्रेड है, यहाँ पे लोकल ब्रेड, फ्रेश ब्रेड, बहुत टेस्टी होता है। यहाँ पे सारे फ्रेश खाना सुबह सुबह आ जाता है, क्या बात है। सुबह सुबह आ गया यहाँ पे बेड पे टी, पापा भी चाय पी रहे हैं गर्मा गर्म। तो ये वाला देख रहे हो फेमस बापू जी केक है हावड़ा का, न्यू हावड़ा बेकरी। बचपन में बहुत खाते थे, बहुत टेस्टी है। और साथ में आ गया कुछ नमकीन, निमकी जैसे, चाय के साथ बढ़िया लगता है ये सब खाने में। गर्मा गर्म चाय, मम्मी को तो चाय के साथ चाहिए मूड़ी सुबह सुबह। तो मैं बिल्कुल रेडी हो गया, आज टी शर्ट पहन लिया, सनग्लास भी ले लिया और जींस शूज। तो ये वाला जो चाइना रोज है ना, जोबा फूल, थोड़ा डिफरेंट है। देखो इसको बोलते हैं झुमको जोबा। इसका पेटल्स देख रहे हो, सब फटा फटा होता है, कटा कटा, देखने में अलग है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन। तो दोस्तों आज है 28 अक्टूबर 2023, टाइम है ऑलमोस्ट 7 AM द मॉर्निंग। मैं हूं साहब और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल मुनर पुतुल। तो दोस्तों आज बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज है लक्ष्मी पूर्णिमा, मतलब कि लक्ष्मी पूजा है। तो सबको पहले मैं सबको विश करना चाहूँगा हैप्पी लक्ष्मी पूजा, और बांग्ला में बोलते हैं कोजागोरी लक्ष्मी पूजा। तो आज पूरा एंजॉय करेंगे। अभी मैं और पापा निकल रहे हैं थोड़ा टहलने, मतलब मॉर्निंग वॉक करने, तो आपको भी घुमाएंगे, चलिए लेट्स गो। तो भाई यहाँ पे सुबह सुबह देख सकते हो पूरा बाजार लग जाता है, पूरा यहाँ पे खालना बाजार है यहाँ पे। और अपोजिट साइड में जाएंगे तो हाटतोला है। तो पापा यहाँ पे ऊपर से बाजार का फोटो ले रहे हैं, कितना बढ़िया लग रहा है देखो यहाँ से। यहाँ पे देखो कितने सारे मंदिर हैं, यहाँ पे भी मंदिर, इधर में भी मंदिर। पहले ये सब एरिया जो था ना पूरा झाड़िया रहता था, और अभी यहाँ पे देखो कितना बिल्डिंग हो गया, मैरिज हॉल वगैरह, और स्कूल बीच में है, दिखाई नहीं दे रहा अभी, बीच से रोड। ये वाला जो एरिया है ये है खालना हाटतोला, मतलब हटिया है। तो यहाँ पे 2 दिन बाजार, 1 दिन हटी, ऐसा करके होता है। और डेली फ्रेश सब्जी यहाँ के लोग खाते हैं, डेली बाजार करते हैं। और इधर है रोड, कल ये वाला पंडाल बन रहा था, इसको बनाया गया था जंगल बुक, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। है खालना शमशान घाट, मतलब शोशान बोलता है। ये है मेरा नाना जी, नानी जी, मामा, मामी, और मेरी मम्मी के जो ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, सबका मेमोरीज में ये टेम्पल्स बनाया जाता है शमशान घाट में। और ये जो शमशान घाट है, यहाँ का जो ज़मीन है, मतलब प्रॉपर्टी, मेरा जो नाना जी है उन लोग का जो, मतलब क्या बोले, एंसेस्ट्रल ज़मीन होता है। तो ये खुद का ही शमशान घाट है, इसीलिए यहाँ पे मंदिर वगैरह बनाते हैं।
यहाँ पे एक तगड़ा सिस्टम लगाया गया है, पूरा सिस्टम हिला दे रहा है। भाई साहब पेंडल का अंदर माँ लक्ष्मी का मूर्ति देखो कितना ही बड़ा, बाप रे बाप बहुत बड़ा है ये। देखो यहाँ पे कितना खेती बाड़ी हुआ है, पूरा पैडी कल्टिवेशन धान के खेत वगैरह हुआ है पूरा ये एरिया। तो ऑलमोस्ट हम लोग 1 आवर अभी 8 o'clock इन द मॉर्निंग है, तो 1 आवर हम लोग टहल के मतलब मॉर्निंग वॉक करके आ गए। मतलब इतना खा रहे हैं ना तो खाना तो हजम करना पड़ेगा, कैलोरी बर्न करना पड़ेगा। इनमें से मजाक कर रहा हूँ, यहाँ पे आते ही हम लोग ऐसे घूमते हैं, ये हम लोग का हैबिट है। और देखो रात भर ये लोग मेला का काम कर रहे थे ना, तो देखो पूरा मेला यहाँ पे लगा रहा है, पूरा रात भर ये लोग काम करता, आवाज़ आ रहा था। और आज है कोजागोरी लक्ष्मी पूजा, मतलब लक्ष्मी पूजा, तो सब जल्दी जल्दी उठ गए थे, मौसी फिर मम्मी पापा सब कोई, और से कल जल्दी जल्दी सो गए थे, मतलब कि 10:30-11 बजे तक हम लोग सो गए थे, और जल्दी जल्दी उठ भी गए, 6 बजे तक उठ भी गए थे, तो नींद भी बहुत ही बढ़िया कम्प्लीट हुआ, बहुत ही बढ़िया जा रहा है लक्ष्मी पूजा। तो यहाँ पे हम लोग का ब्रेकफास्ट टिफिन बन रहा है, ब्रेड ऑमलेट, वाओ देसी स्टाइल। तो ब्रेड ऑमलेट रेडी, ये पापा के लिए है ना। तो यहाँ पे पूरा देसी घी में सब खाना पकाया जाता है, देखो तो ये वाला मेरा ब्रेड ऑमलेट रेडी। चलो 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 बहुत भूख लग गया, ब्रेड ऑमलेट खाते हैं, सॉस आ रहा है। तो यहाँ पे है फ्रेश खीरा मतलब सोसा, तो सॉस भी आ चुका है, अब ब्रेड ऑमलेट और सॉस। तो ये वाला लोकल मिठाई है गोजा, इसको सॉस के साथ खाने मजा आएगा। वैसे मैं एक ब्रेड पूरा खा चुका हूँ पहले, ये मेरा दूसरा चल रहा है, बहुत टेस्टी है। बहुत हल्का मिष्टी है, टेस्टी है। ये है कल जो मिठाई लाए थे, लोकल स्वीट्स पांतुआ, बहुत टेस्टी होता है। तो ये आटा, हम लोग अब फिशिंग करेंगे, मछली पकड़ने जाएंगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं तालाब में मतलब पोखर में, और यहाँ पे फिशिंग स्टिक है, तो अभी हम लोग मछली पकड़ेंगे। हम लोग इसको बांग्ला में छीप बोलते हैं, छीप फेंकेंगे पोखर में, मज़ा आएगा। तो फर्स्ट ट्राई पापा कर रहे हैं, देखते हैं कितना मछली पकड़ते हैं। ये जो गार्डन है ना जहाँ पे हम लोग का तालाब है पोखर है, तो ये बहुत ही मतलब शांति वाला जगह है, मतलब एकदम सुनसान रहता है। लेकिन अभी लक्ष्मी पूजा चल रहा है ना, तो चारों ओर से जो स्पीकर माइक्स का आवाज़ आ रहा है, और ये पूरा देख रहे हैं तालाब, यहाँ पे पोखर जो है बहुत पानी है अभी, और पापा यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं। अभी हम भी आ गए दूसरे घाट में, यहाँ पे मैं भी फिशिंग कर रहा हूँ, मतलब छिप फेंका हूँ इधर। तो यहाँ पे मौसी मछली काट रहे हैं। तो भाई वी आर अनफॉर्चुनेट, एक भी मछली हाथ नहीं आया, एक भी पकड़ नहीं पाया, फिर बाद में जाके ट्राई करेंगे, वे आके रेस्ट करे थक गए। तो यहाँ पे आए हैं गुड्डू और तिन्नी, गुड्डू की तबीयत खराब, बुखार। हाय बोलो, हाय हाय बोलो, गुड्डू बोल हाय, आगे बारे बोल चली तो हाय बोल, दे सुस्तुड़ी दे, दे सुस्तुड़ी दे, माँ दुर्गा रसूर। तिन्नी एस माँ दुर्गा और गुड्डू एस महिषासुर, महिषासुर मर्दिनी। तिन्नी एस माँ लक्ष्मी मतलब माँ लक्ष्मी, और गुड्डू एस आउल मतलब पेचा। गुड्डू एस लॉर्ड गणेशा, गणपति बाबा मोरया, और तिन्नी एस रैट मतलब चूहा बहन। गुड्डू एस लॉर्ड शिवा मतलब शिव ठाकुर, और तिन्नी एस माँ पार्वती। तो भाई अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 1:00 PM, और आज भी मैंने पोखर मतलब कि तालाब में नहाया, और पापा भी नहा लिए, पापा भी आए थे चले गए घर। और यहाँ पे पानी इतना बढ़िया है ना, इतना फ्रेश लग रहा है नहा के, और कोई पोल्यूशन नहीं, कोई डस्ट नहीं, और वेदर इतना अच्छा है ना, ड्राइनेस है, मतलब हेयर में कंडीशनर वगैरह ज़रूरत नहीं है, बॉडी में कोई मॉइस्चराइजर ज़रूरत नहीं है, तो बहुत ही बढ़िया लगा नहा के।
और यहाँ पे मैंने कुछ कपड़ा लाया था धोने के लिए, सब धो लिया। अभी सबको ले जाएंगे घर और अभी जाके लंच करेंगे, लेट्स गो। आज लंच में चावल, नींबू, पत्ता गोभी, बंधा गोभी के बोला, और यहाँ पे है मछली, फिश, प्रॉन्स, चिंगड़ी, और ये वाला चटनी अम्बल, यम्मी। तो भाई देसी स्टाइल पे लंच करके मज़ा आ गया, और अभी आए हैं छत पे थोड़ा धूप लेने, हेयर वगैरह सुखाने के लिए। और ये है छत, तो यहाँ पे सब कपड़े सूख रहे हैं। और ये वाला देखो, यहाँ पे एक टीना का शेड बनाया गया है, इसमें सब खड़ रखा गया है, मतलब गाय बछड़ा है ना, इसीलिए ऑफ सीजन में यहाँ पे खड़ को स्टॉक किया गया, बारिश वगैरह में ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है छत पे, यहाँ पे एक वेस्टर्न खुला खुला टॉयलेट भी है, बढ़िया है। इधर पूरा आपको मिल जाएगा एकदम गार्डन, पोखर, तालाब, सब कुछ। और यहाँ से देखो पूरा मेला दिख रहा है, अभी भी फिटिंग चल रहा है इन लोग का, कितना मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये वाला घूमने वाला है, और उधर है जो टॉय ट्रेन वगैरह दुकान वगैरह, और यहाँ पे है मंदिर दिख रहा है देखो, जो केदारनाथ क्या है ना वो वाला, यहाँ से दिख रहा है। तो देखो बस जा रहा है, तो कितना ही बढ़िया लग रहा है ना, ये जगह पूरा साफ हो गया, यहाँ पे पूरा झाड़ियाँ था पहले। देखो यहाँ पे कितना सारा नारियल के पेड़ है, और भी था अभी कम हो गया, मतलब बिजली गिर जाता ना, ये वाला ताल का पेड़ है, इधर में भी है देखो नारियल का पेड़, बहुत पेड़ था पहले, बहुत सारा मर गया, काटना पड़ा, बिजली गिर गया मर जाता है। देखो यहाँ से हम लोग घर से निकल रहे हैं, और यहीं पे मेला, एकदम घर से निकल के कितना नज़दीक है समझो, एकदम सामने। और यहाँ पे लोग खाना बना पक रहा है, खाएगा स्टाफ लोग। तो मैं पुराना छत पे हूँ, और मम्मी चली गई इधर, नया वाला जो छत बना है इधर, ये पास वाला जो घर है ये मेरा छोटे जो नाना जी है उनका घर है, अभी कोई रहता नहीं यहाँ पे। और ये वाला जो छत है ये नया बना है, मतलब जो किचन है उसके ऊपर, और ये वाला पुराना छत देख रहा, क्रैक हो गया, पुराना घर है ना, सब पुराना, ये सब स्टाइल में घर है। तो अभी नीचे चल के थोड़ा सो लेते हैं, तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि शाम को बहुत घूमेंगे, मतलब पंडाल होपिंग करेंगे, पंडाल घूमेंगे, और जो जो बड़े बड़े लक्ष्मी माता का मूर्ति है देखने जाएंगे, मज़ा आएगा बहुत। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के ऑलमोस्ट 5 PM इन द इवनिंग, और नींद बढ़िया से कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया नींद आया, और चाय वाय भी पी लिया मस्त फ्रेश। और अभी आज लक्ष्मी पूजा है, कोजागोरी लक्ष्मी पूजा, इसीलिए मैंने आज कुर्ता पैजामा सेट पहन लिया, फेस्टिवल है। तो चलिए चलते हैं बाहर, और देखेंगे पंडाल वगैरह, पंडाल होपिंग करेंगे, और बड़े बड़े मूर्ति देखेंगे, मेला घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे, फुल मस्ती होगा। चलिए लेट्स गो एंड एंजॉय, मतलब कि लेट्स गो। ओ भाई इन लोग का तो जो मेला का झूला अभी तक फिटिंग कंप्लीट नहीं हुआ, फेस्टिवल तो स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर में ही, बहुत मेला लगता है भाई, देखने में आसान लगता है। भाई साहब पूरा तो हुलिया ही बदल गया, पूरा मेला लग चुका है, देखो घर के सामने भी मेला। तो यहाँ पे गुड्डू और तिन्नी शॉपिंग कर रहे हैं दोनों भाई बहन। तो भाई आज शाम के 5 बजे से इस रूट पे जो बस चलता है बस बंद कर दिया, मतलब बाहर से गाँव का बाहर से दोनों साइड से बस जाएगा, 4 व्हीलर भी बंद, सिर्फ 2 व्हीलर्स वगैरह अलाउ है, तो इतना ही क्राउड होगा कि सब कम्युनिकेशन बंद, सिर्फ छोटा मोटा कम्युनिकेशन चलेगा। भाई साहब सिक्योरिटी मस्त है, यहाँ पे फायर ब्रिगेड है,
यहाँ पे पुलिस कैंप है। तो ये वाला खानला ग्राम लक्की पूजा का गाइड मैप है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बड़ा गांव है इसीलिए मैप दे दिया हेल्प के लिए। तो ये है पल्ली संघ क्लब, ये मेरे बड़े मामा जी उन लोग का क्लब है, अभी वो नहीं रहे लेकिन उनका क्लब है। भाई साहब लाइट देखो बहुत बढ़िया लग रहा है। ये बार लाइट इफेक्ट मस्त लग रहा है, ओ अमेजिंग। तो भाई यहाँ पे थोड़ा कांड हो गया, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो चुका है, पूरा धुआं हो गया यहाँ पे देख रहे हो। तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड पुलिस सब है, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर रहा है सिचुएशन को, इसीलिए सबको रोक लिया है यहाँ पे। तो इस पंडाल का थीम है बंगाली अल्फाबेट, बांग्ला बर्णपुर जय सौच पाठ अ आ क ख एक दो तीन चार ये सब है। तो यहाँ पे सारे बड़े बड़े अधिकारी आ चुके हैं, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड सब आ चुके हैं, सिचुएशन कंट्रोल में ला रहा है। तो भाई चांद देख रहे हो, ये कोजागोरी लक्ष्मी पूर्णिमा का चांद, मतलब पूर्णिमा का चांद, और ये कोजागोरी लक्ष्मी पूजा जो होता है इसमें जो चांद का रोशनी तो सबसे बड़ी होता है, इसी रोशनी में ताजमहल सबसे ही सुंदर लग रहा है देखने में। तो देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, चांद पूरा आसमान झलमला रहा है रोशनी में, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन लग रहा है देखने में, बहुत ही सुंदर। तो देखो मम्मी और पापा का वो लोग खा रहे हैं आइसक्रीम, देखो भाई कितना पुलिस के गाड़ियां जा रहा है, सब एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों है, एक के बाद एक गाड़ी देख रहे हो भाई, देखो लाइट कितना बढ़िया लग रहा है ये वाला। तो देखो भाई रात में केदारनाथ मंदिर कितना ही बढ़िया लग रहा है, और भीड़ देखो कितना लोग आ रहा है, अभी भीड़ धीरे धीरे बढ़ रहा है देख रहे हो, मम्मी वो भी लाइन पे जा रहे हैं। ओ भाई गणपति पापा मोरिया, भाई साहब देखो केदारनाथ धाम, केदारनाथ मंदिर कितना ही बढ़िया लग रहा है, कितना भीड़ है देखो ऊपर, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन। तो भाई यहाँ पे आर्टिफिशियल तालाब क्या है, कोमल खिला है देखो। तो यहाँ पे केदारनाथ धाम और यहाँ पे चंद्रयान हम लोग का, मतलब कि चांद मामा। माँ लक्ष्मी का मूर्ति देखो कितना ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। भीड़ देखो कितने लोग, जितना रास हो रहा है उतना लोग बढ़ रहे हैं, देखो द जंगल बुक कितना ही सुंदर लग रहा है रात में, दिन में आया तो कैसा लग रहा था, अभी देखो लाइटिंग होने के बाद, और कितना भीड़ भी है देखो, इतने लोग हैं, लाइन देख रहे हो कितना है, जो कहाँ तक लाइन गया है देखो, इधर एकदम रोड के उस साइड से लाइन शुरू हुआ, ये देखो भीड़ है इधर, बहुत ही बढ़िया लग रहा है रात में जो लग रहा है ना जंगल वो मस्त, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, शानदार।
तो भाई मैं कह रहा था ना कि जो खानला का लक्ष्मी पूजा है मतलब सबसे बड़ा बिगेस्ट लक्ष्मी पूजा होता है, मतलब कि नॉट ओनली इन हावड़ा कोलकाता वेस्ट बंगाल इंडिया पर इंटरनेशनली बोल सकते हो। कितना बढ़िया लग रहा है और इतना भीड़ है यहाँ पे, लेकिन आज फिर भी हम लोग घुस पा रहे हैं, कल तो एकदम पैर रखने का जगह नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैंने कहा था ना तो बिगेस्ट लक्ष्मी पूजा है खानला का लक्ष्मी पूजा, देखो कितना ही बढ़िया। ये देखो मुगली बैठा है, इधर भालू भी है, सब है यहाँ पे। तो भाई ये वाला जो है ना क्लब के मेंबर के लिए एंट्री है, मतलब कि VIP जो लोग होता है, तो मैंने कहा कि सीनियर सिटीजन है मम्मी पापा, तो उन्होंने अलाउ कर दिया जाने के लिए, तो थोड़ा ट्रिक लगाया। बहुत ही बढ़िया लग रहा है अंदर, देखो पंछी उड़ रहा है, तार से बांध दिया है। और भाई नीचे देखो जिराफ है, हिरण है, कछुआ है, हाथी है, सब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया शानदार। ये देखो BIV है हनी मधुमक्खी के घोंसला, वहाँ से मधुमक्खी ले रहा है। नीचे देखो जंगल। तो भाई देखो ये पंछी कितना ही बढ़िया लग रहा है, और यहाँ से झरना बह रहा है देखो, वाओ बहुत ही बढ़िया। सामने ही जिराफ है भाई साहब, अमेजिंग फीलिंग हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल जंगल के अंदर आ चुके हैं। और ये देखो यहाँ पे है माँ लक्ष्मी की मूर्ति, देख रहे हो, और देखो ऊपर में कितना बढ़िया बनाया है, लाइट वगैरह का काम किया है। देखो यहाँ पे भी एक छोटा सा झरना है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे पूजा का जुगाड़ चल रहा सब, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। देखो यहाँ पे पूरा झरना गिर रहा है, ठंडा हवा आ रहा है, पानी का बुलबुला भी आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल झरना पहाड़ियों में आ गए, जंगल में। कितना ही बढ़िया लग रहा है, अमेजिंग फीलिंग। ये देखो यहाँ पे गोरिल्ला है, मस्त लग रहा है ना, झूल रहा है। तो भाई आया ना मजा, कैसा लगा बताओ। ऐसा बहुत सारे पंडाल है, मतलब कि पूजा कमेटी क्लब्स वगैरह है, ऐसा बढ़िया बढ़िया पंडाल है, ज़्यादा घूम नहीं पाएंगे, 5-6 देखेंगे बस घर चले जाएंगे। मतलब पूरा रूट मैप तो आपको मैंने दिखाया, बहुत सारा मतलब ऐसा पूजा है बड़ा बड़ा। जंगल बुक देखने के लिए लाइन देखो कितना बड़ा लाइन, आज ही इतना लंबा लाइन है, कल सोचो क्या होने वाला है, कहाँ तक गया देखो लाइन। तो भाई लाइन देखो यहाँ तक लाइन आ गया, कम से कम 200-300 meters का लाइन होगा। तो पापा भी कह रहे थे कि देख नहीं पाएंगे इतना लंबा है, मम्मी भी कह रही थी, तो बुद्धि लगाया जो क्लब का लाइन है उसी से घुस गए, तो इसीलिए घुस पाए, नहीं तो आज देख नहीं पाते मम्मी पापा, मैं तो देख लेता। तो इसीलिए मैं कह रहा ना बिगेस्ट लक्ष्मी पूजा इन द वर्ल्ड बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे भी लाइन है लंबा भाई साहब, मूर्ति का साइज देखो ह्यूज, बहुत ही ऊंचा मूर्ति है, देखो लोग कितना छोटे छोटे लग रहे हैं मूर्ति के पास, बहुत ही बढ़िया। देखो चांद एकदम जीसस क्राइस्ट के ऊपर, मतलब क्रॉस के ऊपर, और जो चर्च है कितना बेहतरीन लग रहा है, बहुत ही बढ़िया, कितना ही सुंदर लग रहा है, देखो बहुत ऊंचा है, टॉल, बहुत टॉल, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो भाई कोई भी फेस्टिवल होता है तो लोग गांवों से शहर में जाते हैं, लेकिन जब खानला का लक्ष्मी पूजा होता है तो लोग शहर से गांव में आते हैं, यही डिफरेंस है, मतलब कि लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट लक्ष्मी पूजा इन द वर्ल्ड बोल सकते हैं।
बहुत ही बढ़िया। तो देखो यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबी, पापा को आइसक्रीम खाने का मन हो गया तो हम लोग कौन ले रहे हैं। देखो लाइट्स कितना बढ़िया लग रहा है ना। तो अभी मम्मी हमें गली गली घुमा रही है, मतलब अंदर का जो लक्ष्मी पूजा है। और पहले मम्मी कह रही थी कि मैं नहीं जाऊंगा, चल नहीं पाऊंगा, और अभी मम्मी को जोश आ गया। मम्मी का मायके है ना, अब किधर जाए कुंड की जाबू को इधर के भूल भाल नहीं चले हम। तो यहाँ पे देखो कितना बड़ा एक फाउंटेन है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ऊपर में चांद। तो यहाँ पे गमछा और हंडी यूज किया है, मड पॉट्स बंट वाला। यहाँ के पुराने रास्ते हैं, ईंटे के रास्ते हैं। देखो केला का खेत के बीच से जा रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग अंदर अंदर से जा रहे हैं, थोड़ा एडवेंचर भी हो रहा है। ये वाला पंडाल देखो कितना सिंपल एंड सोबर, एकदम व्हाइट, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ब्यूटीफुल। तो अभी हो रहा है रात के 9 और भीड़ देखो कितना, पूरा भीड़ जितना रात हो रहा उतना भीड़ बढ़ रहा है। देखो इधर भी देखो चारों ओर कितना ही भीड़ है। तो अभी मेले में भी भीड़ हो रहा है, घूम रहा है सब कोई। तो यहाँ पे टैटू बन रहा है, टैटू देखो लोकल टैटू है ये। तो यहाँ पे भोले बाबा बिक रहे हैं देखो। नाउ इट्स डिनर टाइम। तो डिनर में है गर्मा गर्म चावल, पत्ता गोभी मतलब बंदा गोभी, और ये वाला फूल गोभी, आलू सब्जी, और यहाँ पे है मछली चिंगड़ी मतलब प्रॉन्स करी। वाओ यम्मी डिनर।
अभी टाइम हो रहा है रात के 10:30 और बहुत ज़्यादा भूख लग गया था। आज के डिनर बहुत ही टेस्ट और डिलीशियस था, खाना खा के पेट एकदम ठंडा हो गया। और खलना का लक्ष्मी पूजा का पहला दिन बहुत ही बढ़िया गया, बहुत घूमे हम लोग। तो आपको कैसा लगा खलना का लक्ष्मी पूजा जरूर बताइएगा। मतलब इतना भीड़ हुआ था आज, मतलब क्या ही बोलूँ। कल क्या होगा क्या पता, कल पैर रखने का भी ज़्यादा नहीं रहेगा शायद। मतलब क्या होता, दूसरा फेस्टिवल में लोग शहर जाते देखने के लिए, लेकिन खलना का लक्ष्मी पूजा में सारे शहर से लोग यहाँ पे देखने आते हैं, इसलिए इतना फेमस है। और सब हाई बजट का पूजा कमिटीज़ है, मतलब कि इतना कॉस्टली पंडाल, इतना कॉस्टली मूर्ति, सब मतलब हाई फाई बोल सकते हैं, मतलब कि वर्ल्ड फेमस है। मतलब इसको आप बोल सकते हैं कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट लक्ष्मी पूजा, मतलब इतना मतलब बड़ा मैंने कहीं लक्ष्मी पूजा नहीं देखा जितना तो मुझे नॉलेज है, मतलब इंडिया में भी नहीं, बाहर में भी नहीं, हम लोग का स्टेट तो छोड़ ही दीजिए, मतलब इतना ही। तो कल क्या होगा कल ही पता चलेगा, कल ब्लॉग वगैरह बना पाएंगे नहीं। तो अगर यहाँ तक आप वीडियो देख लिए हैं, किसी भी तरह से आपको पसंद है, थोड़ा सा भी एंटरटेनमेंट इसी बात पर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और अपने सर्कल में शेयर, ताकि दूसरों को भी पता चले। कुछ भी कर जाए तो क्या अच्छा लगा क्या बोला एक कमेंट जरूर करके जाइए, मेरे रिक्वेस्ट आपसे। और अगर आप चैनल में आए तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए और ऑल बटन सेल प्रेस कर दीजिए, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में वीडियो अभी नहीं आ रहा, इस ब्लॉग का ही वेट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सुनिश हैप्पी, बाय बाय, गुड नाइट, बी हैप्पी।